हेलो दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूँ उस मंदिर के बारे में जो चाइना में है पर एक भारतीय के लिए बनाया गया था। तो इस मंदिर की शुरुआत होती है एम्परर शाओवन से, जिन्होंने बातुआ मॉन्क के लिए ये टेम्पल बनाया था। और ये टेम्पल इसीलिए बनाया था ताकि मॉन्क यहाँ आकर चाइना में रह सके। तो इस टेम्पल की शुरुआत होती है बातुआ मॉन्क से। ये पहले मॉन्क थे जो उस टेम्पल में रहते थे, और फिर आए बोधि धर्मा। हाँ, तो ये थे वो बोधि धर्मा, और कुछ इस प्रकार दिखते थे वो। तो कुंफू इज नॉट अ चाइनीज, कुंफू इज इंडियन। इन्होंने की कुंफू की इजाद, इन्होंने कुंफू इसीलिए शुरुआत की क्योंकि लंबे मेडिटेशन के बाद बॉडी में क्रैम्प्स आने लग जाते थे, तो कुंफू से बॉडी रिलैक्स होती थी और उनको एनर्जी मिलती थी और भी लंबे समय तक मेडिटेट करने की। पर चाइना ने कुंफू को इस तरह अपनाया कि आज लोग कुंफू को चाइनीज नाम से जानते हैं। चाइनीज कुंफू, चाइनीज कुंफू आप हर जगह सुनते होंगे, चाइनीज कुंफू। पर इसकी शुरुआत की थी एक भारतीय मॉन्क ने। तो आइए देखते हैं ये मंदिर और ये मंदिर में होने वाली प्रैक्टिसेस और ये मंदिर में होने वाला कुंग फू। जैसी लई दिक्का तो देखा आपने कुंफू में होने वाली प्रैक्टिसेस। तो इसी कारण आज भी शाओलिन टेम्पल में नॉन वेज नहीं खाते, और आज भी शाओलिन टेम्पल में बुद्धा की पूजा होती है। वो सब बुद्धिज्म फॉलो करते हैं क्योंकि बोधि धर्मा और बातुआ दोनों ही बुद्धिस्ट मॉन्क थे और उन्होंने शुरुआत की थी कुंफू की। तो पसंद आया तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और वीडियोस डालता हूँ। धन्यवाद, बाय बाय।